करेंगे। काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद। कुछ समझ में नहीं आया जगदीश को क्या बॉल डाली उन्होंने। हकीम, हकीम की तरफ से चौथी गेंद लेके जगदीश को, और ये बॉल घुमा दिया उन्होंने लेग साइड की तरफ में, देखना है क्या होता है। और एक अच्छी कैच, पहला ओवर जो डाल रहे थे आकाश, उनके द्वारा ये रन कैच को पूरा किया गया। आकाश ने काफी खूबसूरत कैच पकड़ा और जगदीश के रूप में सिंह पैकर की तरफ से एक बहुत बड़ा विकेट चला गया है। जगदीश एक बहुत बड़े प्लेयर हैं जो आउट हो चुके, और उनकी जगह संभालने के लिए कौन आए हैं दोस्तों, देखना है उनकी जगह संभालने होगी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने विकेट तो निकाल के दिया है। और ये एक और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। और ये डॉट बॉल जो हुआ है अभी, अब देखना है इस ओवर की आखिरी गेंद पे क्या होता है। 12 रन दिया है दोस्तों और एक विकेट निकाला है। लास्ट बॉल है इनके ओवर की, इनके स्पेल की लास्ट बॉल है आकाश के लिए, और आकाश ने बैट घुमाया दोस्तों। बॉल बैट को कनेक्ट नहीं हुआ, थोड़ी सी दूर रह गई, मगर अगर बॉल को लगता था ना तो कंफर्म छक्का ही जाता था। तो कहते हैं कि मगर और अगर का क्रिकेट नहीं है ये, यहाँ कंफर्म। देखे हकीम, ए हकीम ना, हकीम पहली गेंद लेकर अभिषेक आंगने के लिए, और पहली बॉल जोर से मारने की कोशिश, बॉल थोड़ी सी नीचे बैठते हुए कीपर ने थोड़ी सी अपील की है, क्या ये आउट होए कि नहीं, अंपायर ने कोई रस्तों मना जाएगा देखना। और ये बैट पे लगी बॉल मगर ये ग्राउंड के बाहर नहीं गई, कीपर के हाथों में। काफी गंदी गेंद बॉल गेंद थी ये, मगर उसे छेड़ बैठे अभिषेक आंगने और इस तरीके से वो अपनी विकेट दे बैठे। 4 गेंद 18 रन, 18 रन 4 गेंद, सिद्धार्थ 11, उमेश 11, किस तरफ जाएगा ये मुकाबला। अब आ चुके हैं सोहेल सैयद। और ये काफी चतुराई बड़ी, 1 रन के लिए बॉडी पे डाला हुआ गेंद, बॉलर को मालूम है कि वहां पर 20 रन, जो एक बॉल 4 पर आया था, और अभी ये 3 बॉल 17 रन। सोहेल सैयद तैयार और जोर से मारने की कोशिश और कीपर के हाथ में, और ये गेंद कैच। मेंडिस भाई जो इस टीम के कैप्टन, अभी तक के उन्होंने 4 कैच पकड़ी है दोस्तों, 4 कैच कीपर के हाथों से। और नेक्स्ट बैट्समैन उमेश 11 की तरफ से मैच तो बिल्कुल खत्म होते हुए दिखाई दे रहा, मगर ना उम्मीद मत हो। 2 गेंद 17 16 रन, और हल्के हाथों से बॉल डालते हुए, बॉल को थोड़ा सा घुमाते हुए हकीम। हमारे बीच भी एक हकीम भाई बैठे हुए, उमने वाली 11 गेंदों पे क्या होगा दोस्तों देखना है। फिर से मारने की कोशिश, बॉल लगी है उन्हें, क्या ये रन होगा? नहीं, ये रन नहीं होगा दोस्तों, एक बार उन्हें चेक करिए अंपायर। काफी जोर से बॉल लगी, आवाज यहां तक आई है, कमेंट्री बॉक्स तक ये आवाज आई है, क्या लगाया? सोनोग्राफी की जरूरत है तो हमारे साइन हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गार्ड नहीं लगाया था उन्होंने, फिर तो भी आवाज यहां तक आई। और 3 गेंदे, 40 रन पहुंच चुका है दोस्तों अभी तक, और 3 गेंदे, और एक और बहुत ही अच्छी गेंद, क्या ये कैच होगा? हाँ, ये कैच हो गया, ये शुभम जादव के हाथ में कैच, ये गेंद गई। आकाश चिंदारिया विकेट, आकाश चिंदारिया का विकेट गिर गया। आकाश चिंदारिया ने काफी अच्छी पारी खेली, 7 गेंद के लिए आकाश ने और 3 सिक्स लगाया, 20 रन बनाया, 3 छक्के की मदद से आकाश चिंदारिया ने। हमें इनका हेलीकॉप्टर शॉट दोस्तों देखते रहिए आप, सीरियस कदम। और ये बहुत तगड़ा शॉट मारने की कोशिश, मगर बैट के किनारे लेकर पीछे की तरफ बॉल जाते हैं, 1 रन भाग के निकाल दिया सीरियस कदम ने। 3 छक्के मारे थे, ऑफरदीन काजी स्ट्राइक पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, और ये विकेट फरदीन काजी का विकेट जाते हुए,
इससे पहले भी फरदीन काजी का एक कैच छुपा था, उसके बाद वो एक सिक्स मारे थे, तो थोड़े महंगे ज्यादा साबित नहीं हो पाए फरदीन काजी। अब शीर्ष कदम का साथ निभाने के लिए कौन आएगा? शीर्ष कदम स्कोर हो चुका है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक का 3 ओवर के बाद 40-40। और एक और बॉल घुमा दिया था बॉल बैट से, मगर बैट और बॉल के बीच में कोई भी मैच। फिर से घुमा दिया बैट, मगर बॉल बैट पर लगी नहीं और भागने की बहुत तेज कोशिश और अंपायर का इशारा है ना बाकी है, और ये चीता कैम गिर गया पहला विकेट नौमान के रूप में। अब चाहिए 3 रन 7 रन। मैंने कहा ना दोस्तों ये मैच में मजा है, आप जहां पर भी बैठे हैं जहां पर भी खड़े हैं वहीं पर ही खड़े रहिए, वहीं पर ही बैठे रहिए। हकीम और उमर के बीच और उमर ने बैट से मारने की कोशिश की, लंबा शॉट जोर से मारने की और ये बॉल पॉइंट की तरफ जाते हुए सिर्फ और सिर्फ 1 रन। नेक्स्ट बैट 2 रन। और ये घुमा दिया तो मगर बैट पे बॉल नहीं लगी, और ये मुकाबला जाता है सिद्धार्थ इलेवन के नाम पर, ये ट्रॉफी जाती है सिद्धार्थ इलेवन के नाम पर। जैसा मैंने कहा था दोस्तों, एक मुकाबला होगा जहां पर एक बैट